गिरिडीह जिले के डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने अनुमंडल अंतर्गत स्थित डुमरी निमिया घाट पीरटांडा मधुवन तथा खुखरा थाने में विभिन्न कांडों में गिरफ्तारियां बरामदगी कुर्की और जब्ती के बारे में उल्लेख कर रहे थे और इसी दौरान एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने जानकारी दी इससे संबंधित कई उपलब्धियों को जिसके तहत उनको बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नक्सल की 7 घटनाओं में से अधिकांश को सफलता मिली है। बताया गया कि बड़ी भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी व देशी शराब बरामद किए गए हैं। 2 मिनी फैक्ट्री और 4 वैन जब्त किए गए हैं। सिंह ने बताया है कि अवैध शराब निर्माण के लिए मिनी फैक्ट्रियां नक्सलियों की साठ गांठ से चलाई जा रही थी। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ ने बताया है कि पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर नक्सली मनोज चौधरी तथा झरीलाल महतो की करीब 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इसी तरह मधुबन थाना क्षेत्र में 33 पीस तथा 103 पीस लगे लैंड माइंस का पता लगाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इसका सारा श्रेय जिले के पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा तथा क्षेत्र के अन्य प्रभारियों थाना प्रभारियों सहित उनके सहकर्मी और अधिकारी गण को जाता है। जब्त किए हैं, अगर उसका खुले बाजार में कीमत देखा जाए 10 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं होगी, तो उसको हम लोग जब्त करने में सफल हुए हैं। इसके अलावा अन्य फ्रंट पर खास करके शराब तस्करी, कोयला तस्करी, डकैती के उद्भेदन, मार्ग लूट के उद्भेदन, इन सबों में हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। थोड़ा चोरी में हमारी कुछ विफलता रही है, चोरी के हेड में हम लोग उतना सफल नहीं हो पाए हैं जितना होना चाहिए था। इस तरह मिला जुला के हम कहें तो अपराध शीर्ष में एक चोरी को अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए तो सभी शीर्ष में हमारी सफलता अच्छी रही है। इस साल हम लोग उसमें भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे, शेष में तो अच्छा करेंगे ही, इसमें भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सर, क्षेत्र में जनता का सहयोग पुलिस को प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल, जितनी भी उपलब्धि है बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। हम अपनी सारी उपलब्धि का श्रेय यहाँ की जनता और अनुमंडल का जो टीम है हमारा, पुलिस का टीम, उनको देना चाहेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे कप्तान के रूप में हमको एसपी साहब मिले हैं, उनका नेतृत्व तो सराहनीय रहा है, उनको सारा श्रेय जाएगा। सर, ये जो आंकड़ा जो आप पेश किए हैं, ये कितने थानों का मिलाकर आंकड़ा है? सर, हमारे अनुमंडल में 5 थाने हैं। इन 5ों थानों का मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ। कोई संदेश देना चाहेंगे सर जनता के लिए? जनता के लिए यही संदेश है कि इसी तरह से हम पर विश्वास करें, हमको सहयोग करें, हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं, हमारे पास आएँ और बेहिचक अपनी बात कहें और हमसे सहयोग प्राप्त करें। चाहे जो भी क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, अपराध का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र का हो, हमसे एक परिवार की तरफ खुल के बात करें और हमसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थी ब्यूरो रिपोर्ट।